पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के अच्छे दिन वापस लौट आए हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वहीं एल मुरुगन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन पदों के लिए नामों को मंजूरी दी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्तियों को मंजूरी दी। आपको बता दें कि रामशंकर कठेरिया मानव संसाधन एवं विकास राज्य मंत्री थे, लेकिन पिछले साल जुलाई में उन्हें मंत्री परिषद से बाहर कर दिया गया। दरअसल मानव संसाधन एवं विकास राज्य मंत्री बनने के बाद रामशंकर कठेरिया लगातार विवादों में थे। उन पर अपने बीए और एमए की मार्कशीट से जालसाजी का आरोप है। अपने कथित नफरत भरे भाषण के लिए भी पिछले साल फरवरी में वो विवादों में घिरे थे, लेकिन अब उन्हें अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद मिला है, जिससे साबित होता है कि उनका कद अब भी पार्टी में काफी बड़ा है। बीजेपी इस वक्त अनुसूचित जातियों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में लगी है। ऐसे में कठेरिया पार्टी के लिए अहम चेहरा होंगे। गौरतलब है कि कठेरिया के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी अटकलें थी, लेकिन उनको नई जिम्मेदारी मिलने के बाद फिलहाल इस पर विराम लग गया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।